मेरा बेटा गुरप्रीत पाल सिंह खारकी में है और यहाँ पर तकरीबन 3000 जो बच्चा है खारकी में फंसा हुआ है। मेरी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि उन बच्चों को भारत में अपने अपने घरों में द्वारा सुरक्षित पहुँचाया जाए। मेरी भारत सरकार से पुरजोर अपील है कि उन बच्चों को जो 20,000 बच्चे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको दोबारा वापस लाया जाए और सरकार की एक गलती से हमारे जो एक बच्चे की कीमती जान है कर्नाटका जो कोई बच्चा था उसने वहाँ पर शहादत पाई है। मैं इसके लिए भारत सरकार को ही जिम्मेवार समझता हूँ। अभी भी वक्त है, मेरी ये गुजारिश है भारत सरकार से हमारे जो सभी बच्चे हैं उनको सुरक्षित घर में लाया जाए। बेटे के साथ हमारी शाम को बात हुई थी, वो रास्तों में निकल चुके हैं। जब इंडिया की एम्बेसी ने उनको क्लियर कट कह रही है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने रिस्क पर बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, और उसके बाद हमारे जो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने पिट्ठू बांध लिए हैं, बूट बांध लिए हैं और वहाँ से वो जंगलों की तरफ निकल चुके हैं। कोई किसी का एक उसके बाद एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हुआ। पिछली जो रात आज की रात जो गई है जो सारे लोग सफ़र में थे, पता नहीं है कोई कहाँ से है। कीवी जो तकरीबन पूरा सिटी खाली करवा लिया है, उन बम्बों से गुजरते हुए वो कीवी से ही वो निकल रहे हैं। मेरी भारत सरकार से यही अपील है कि जैसे हम कहते हैं जंग कोई मसले का हल नहीं होता, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं भारत को भी कि ये अपना एक रोल प्ले करें कि रूस और यूक्रेन के बीच में पड़कर और एक ताकत बनकर इन दोनों के साथ इनका कंप्रोमाइज कराया जाए और इस जंग को रोका जाए, तब जो इंसानियत की मानवता की लगातार जाने जा रही हैं उनको बचाया जा सके। मेरे साथ एक इस समय मौजूद है, पिता हैं और पूरे भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सकुशल जो है उनके बेटे को जो है भारत वापस लाया जाए और भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है और अपने भारतीयों को लाने में, और इनका एक बेटा वहाँ पर मौजूद है, हालाँकि वो पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे। सर पहले तो आपका नाम और आपका बेटा कहाँ पर मौजूद है इस समय यूक्रेन के अंदर? सर मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है, मेरा बेटा गुरप्रीत पाल सिंह खारकी में है और यहाँ पर तकरीबन 3000 जो बच्चा है खारकी में फंसा हुआ है। मेरी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि उन बच्चों को भारत में अपने अपने घरों में द्वारा सुरक्षित पहुँचाया जाए। अभी तक सरकार ने कोई भी जतन नहीं किया है कि खारकी से अभी तक एक भी बच्चे को नहीं लाया गया है। जो आपके माध्यम से सोशल मीडिया या मीडियम के माध्यम से बताया जा रहा है कि जहाज़ों से बच्चों को लाया जा रहा है, वो दूसरे देशों से लाया जा रहा है। जो बच्चे अपना रिस्क लेकर बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं उन बच्चों को जैसे हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, वहाँ से लाया गया है। अभी तक एक भी बच्चा भारत सरकार ने यूक्रेन से नहीं लाया है। मेरी भारत सरकार से पुरजोर अपील है कि उन बच्चों को जो 20,000 बच्चे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको दोबारा वापस लाया जाए और सरकार की एक गलती से हमारे जो एक बच्चे की कीमती जान है कर्नाटका जो कोई बच्चा था उसने वहाँ पर शहादत पाई है। मैं इसके लिए भारत सरकार को ही जिम्मेवार समझता हूँ। अभी भी वक्त है, मेरी ये गुजारिश है भारत सरकार से हमारे जो सभी बच्चे हैं उनको सुरक्षित घर में लाया जाए। सर मैं आपसे अगला सवाल भी करूँगा, मगर आप देखिए कि कल से ही जब एक भारतीय छात्र की वहाँ पर मृत्यु हुई है उसी के बाद पूरे परिवार जो है वो डर और सहम का जो है इस समय माहौल बना हुआ है पूरे भारत के अंदर, और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खता भी हैं। सर इस समय आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि इस समय बेटे के साथ आपकी आखिरी बातचीत कब हुई है और क्या बातचीत हुई है, उसका क्या कहना है? बेटे के साथ हमारी शाम को बात हुई थी, वो रास्तों में निकल चुके हैं। जब इंडिया की एम्बेसी ने उनको क्लियर कट कह रही है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने रिस्क पर बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, और उसके बाद हमारे जो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने पिट्ठू बांध लिए हैं, बूट बांध लिए हैं, और वहाँ से वो जंगलों की तरफ निकल चुके हैं। कोई किसी का एक उसके बाद एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हुआ। पिछली जो रात आज की रात जो गई है जो सारे लोग सफ़र में थे, पता नहीं है कोई कहाँ से है। कीवी जो तकरीबन पूरा सिटी खाली करवा लिया है, उन बम्बों से गुजरते हुए वो कीवी से ही वो निकल रहे हैं। मेरी भारत सरकार से यही अपील है कि जैसे हम कहते हैं जंग कोई मसले का हल नहीं होता, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ भारत को भी कि ये अपना एक रोल प्ले करें कि रूस और यूक्रेन के बीच में पड़कर और एक ताकत बनकर इन दोनों के साथ इनका कंप्रोमाइज कराया जाए और इस जंग को रोका जाए, तब जो इंसानियत की मानवता की लगातार जाने जा रही हैं उनको बचाया जा सके। आपने आपके बेटे के साथ जब आखिरी बात आप कह रहे हैं शाम को हुई है, क्या बात हुई है, क्या कहा उस बेटे ने जब आपसे बातचीत कर रहा था? उनसे बात ही नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों के साथ बात हुई है, वो इतने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है,
उनके ग्रुप ने 7 आदमियों ने 15,000 की एक गैलन खरीदी है पानी की और जो मिलजुल के पी रहे हैं। रोटी उनके पास नहीं है, कुरकरे और चिप्स लेकर उन्होंने बैगों में भरे हुए हैं, वही अभी तक चढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत सहमे हुए हैं। देखिए, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और इनके बच्चे जो है पूरे खरकीव के अंदर जिक्र करते हैं तो वहाँ पर मौजूद हैं और डर और सहम का माहौल है, परिवार के अंदर भी चिंता है और भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द उनके बच्चों को जो है वो सकुशल लाया जाए। मेरे साथ एक पिता थे जो बातचीत कर रहे थे, हालाँकि इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है भारत सरकार जो है वहाँ से जितने भी हमारे भारतीय वहाँ पर मौजूद है उन्हें जल्द सकुशल जो है भारत लाया जाए। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट, जम्मू से, धन्यवाद।